नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा, आपके साथ आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगाम में राहुल गांधी के राजघराने के बयान पर साधा निशाना, कहा राहुल को औरंगजेब के अत्याचार नहीं आते याद, केवल भारत के राजघरानों का करते हैं अपमान। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा, दिल्ली में आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन से थे नाराज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश खाली मुद्दे पर ममता सरकार को फिर घेरा, शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्वों को संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए बताया खतरा, कहा चुनाव में जनता ममता को देगी जवाब। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने लिया हिरासत में, छत्तीसगढ़ से मुंबई लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। सऊदी अरब के रियाद में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, गाजा में संघर्ष विराम पर रहेगा जोर, बंधकों की रिहाई पर बातचीत के बीच हमास ने इसराइल के दो बंधकों का वीडियो किया जारी। और आईपीएल में आज होंगे दो मुकाबले, पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। और आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगाम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजघराने के ताजा बयान पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी की लड़ाई को तुष्टीकरण के नजरिए से देखती है, कांग्रेस के शहजादे उसी तरह से उसे देखते हैं, भारत के राजा अत्याचारी थे, कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति चन्नप्पा का अपमान भी किया है। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा, ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। और पीएम ने कहा कि राहुल गांधी को नवाबों के अत्याचार नहीं याद आते हैं। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहा,
उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सलाहकार हमारे अशोक श्रीवास्तव जी, और वरिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आइए उनसे इसी खबर पर जुड़ते हैं और इनसे पूछना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त अशोक जी हैं। अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगाम में राहुल गांधी के जो राजघराने पर एक निशाना साधा है, तो ये कहा जा सकता है धीरे धीरे कांग्रेस के जो पड़ते हैं वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर हम ये जानना चाहें कि कांग्रेस की जो लगातार एक छवि बन रही है, जो एक इमेज बन रही है, वो किस तरह की है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान जो राहुल गांधी के अक्सर कई सारे बयान जो है बिना सोचे समझे जो है वो देते हैं और बिना रिसर्च किए देते हैं, बिना उसका क्या राजनीतिक इम्पैक्ट होगा, क्या उसका सामाजिक इम्पैक्ट होगा, ये बिना जाने करते हैं और उसके कारण जो है वो बयान राहुल गांधी के कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। सेम यही जो है संपत्ति का बंटवारा जो है राहुल गांधी ने जो कहा था उसको लेकर बीजेपी एग्रेसिव है। अब जो राहुल गांधी का जो लेटेस्ट बयान वायरल हुआ उसमें राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजा महाराजा ऐसे होते थे जो किसी की भी जमीन ले लेते थे और आजादी तो है वो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिलवाई। तो इस तरह की पूरी जो बयान दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई देश की आजादी में तो हमारे कार्यकर्ता थे और उन्होंने जो है राजा महाराजाओं से भी लड़ाई लड़ी। अब सवाल यह है कि राजा महाराजाओं का आप एक ही सुर में भारत के तमाम राजा महाराजाओं को एक जैसा जो है पेंट कैसे कर सकते हैं? क्या रानी लक्ष्मीबाई उन सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष शुरू किया ऐसे जो है राजा महाराजा वो आखिर भारत के राजा महाराजा थे? छत्रपति शिवाजी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, रानी चेन्नम्मा की बात करी और इसी तरह से अहिल्याबाई होलकर की बात करी, ये तमाम भारत के राजा ऐसे हैं जो बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि वो जनता के लिए हित के काम करते थे। और सिर्फ ये नहीं, ऐसी एक लंबी श्रृंखला है, आप मत भूलिए कि
आज भी जो है राजघरानों के जो 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 वारिस हैं, आज भी कई देश में कई ऐसे नेता हैं जो राजघरानों के वारिस हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, लोग उन पर आस्था प्यार लुटाते हैं, इसलिए क्योंकि वो राजा ऐसा नहीं था कि वो राजा सब कुछ लूटते थे, बल्कि वो लोगों के साथ संवाद करते थे, लोगों के लिए हितकारी चीजें करते थे। दूसरी तरफ एक तरफ जो राजा है, क्योंकि ये भी मत भूलिए कि ये तमाम राजा जो है वो हिंदू राजा थे, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप मुगलों की बात नहीं करते, नवाबों की बात नहीं करते, और ये फिर अब दोबारा जो ये बात जो है देश को एक बार फिर लोग बीजेपी भी याद दिलाएगी, बाकी लोग भी सोशल मीडिया पे याद दिलाएंगे कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो है बाबर की मजार पर गए थे, जब अफगानिस्तान गए तो सभी सब बाबर की मजार पर गए, बाबर की मजार पर जाकर इन्होंने वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन जब राम जन्मभूमि पर मंदिर बना और उस मंदिर के लिए निमंत्रण गया तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अब तक वहां पर नहीं पहुंचा है। तो ये सारी जो चीज है तुष्टिकरण की जो पूरी नीति है उसको लेकर प्रधानमंत्री एक्सपोज कर रहे हैं, और साथ साथ जो है जो इंडिया का मॉडल था, क्योंकि एक तरफ राजा थे जो जिनके यहाँ कुछ सुनवाई होती थी, दूसरी तरफ नवाबों और शहनशाहों का जमाना था जहां पर आपकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, जहां पर अगर दीवार में चुनने का आदेश दे दिया गया तो दीवार में चुनवा दिया जाता था, इस तरह की जो है, और जहां पर सर अपने ही भाई का सर कलम कर दिया जाता था, इस तरह की पूरी एक मुगल वंशावली थी। तो अब अगर आप राजाओं और मुगल वंशावली के बीच अगर आप इस तरह की बयान देकर एक जो है डिविजन करवाकर और इस तरह के बयान देकर के अगर आप इसके बीच कंपेरिजन करवाना चाहते हैं तो आपने बीजेपी को एक बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत शार्प नेता, वो कोई भी मौका छोड़ते नहीं, जब राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दे दिया है तो बीजेपी, जब जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक होगी और आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल अशोक जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम भारत को देखते हैं, भारत का इतिहास देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं राजघरानों में भी जिन्होंने एक इतिहास रचा है, और ऐसे में अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी जो ऊट पटांग या फिर बिना सिर पैर के बयान दे देते हैं, उनका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एक कहावत है कि जानवर जो है पशु, वो न बोलने के कारण तकलीफ उठाता है, और इंसान जो है बिना सोचे समझे बोलने के चलते तकलीफ उठाता है। मैं केवल एक विनम्र अनुरोध एक बात का करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में आपका हाथ तंग हो जी, उस क्षेत्र में काहे को आप चुनौती लेते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। राहुल जी को दिक्कत ये है कि वो मास्टर ऑफ वो जैक ऑफ ऑल है, मास्टर ऑफ नन। प्रॉब्लम यह है कि न उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पढ़ा है, न उन्होंने समाज शास्त्र पढ़ा है। मैं केवल एक ही बात कर रहा हूं कि वो छोड़िए एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी होती, उनको हॉब्स का नाम भी अगर पता होगा तो हॉब्स जो था, जहां से हमारा राजनीतिक दर्शन शुरू होता है, हॉब्स एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक था, भुर राजतंत्र का। वो कहता था कि जनता की जान भी राजा के हाथ में है। हॉब्स के बाद जॉन लॉक आए। जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, सब कुछ राजा का हो सकता है लेकिन हमारी जान नहीं हो सकती। यहीं से फंडामेंटल राइट बने। और इसके बाद रूसो आता है। रूसो कहता है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इनको पता नहीं है कि उस राजाओं के समाज में आज आपका मोबाइल फोन का जो आज का लोकतंत्र है, ये आप ढूंढ रहे हैं। अरे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जितने आक्रमण हुए, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और अगर भारत ने नहीं किया तो इसका मतलब हमारे यहाँ की रियासतों ने भी कभी विस्तारवाद की तरफ नहीं गई जी। हजारों बार हम पर आक्रमण हुए और यही लोग लड़ते रहे जिनको आज आप कोस रहे हैं। इन्हीं लोगों ने हमें बचाया। मैं केवल ये कहता हूं, जिसको अपनी अपनी अस्मिता, अपनी राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान नहीं हो, उसे जरूरी नहीं है कि बोलना चाहिए। बिल्कुल, आज राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो इतना दुखद है, मैं उसकी निंदा तो छोड़ दीजिए, इतना दुखद है, इतनी नासमझी का बयान है। सही मोदी ने पकड़ा है कि आप जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए हजारों लाखों हिंदुओं को मार डाला, उनका नाम आप नहीं लेंगे,
जिन लोगों ने पूरी की पूरी संपत्ति तोड़ दी, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, अयोध्या में तोड़ा, मथुरा में तोड़ा, जहां पर हमारे मूर्तियों को पैर के नीचे सीढ़ियों में वो लगवाया ताकि हम उस पर पैर रख करके जब वो चलेंगे उनको लगेगा, आप उनका नाम नहीं लेंगे। आप हमारे यहाँ देसी वो फ्यूडल एक सामंती जमाने के ऐसे लोगों की बात आप करेंगे? भैया पहले आप पढ़ लीजिए समाज का विकास कैसे हुआ है। एक फ्यूडलिज्म का दौर होता है, उसके बाद एक आता है मॉडर्न कैपिटलिज्म का दौर। ये सब सारी चीजें अपने समय की चीजें हैं, उनको अपने समय में देखना चाहिए। आप अगर ये राजाओं ने, जब आपके नाना जी नेहरू जी आजादी मिली आपको याद है, यहाँ की रियासतों को लिया गया और उनको प्री पर्स दिया गया, उनको ये पैसा सरकार देती रही कि नहीं आपके भरण पोषण के लिए हम इतना पैसा देंगे, वो इंदिरा गांधी ने 71 में जाकर के बंद किया। तो आपके नेहरू जी उनकी इज्जत करते थे, पटेल जी इज्जत करते थे बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप एक ब्रश से पेंट कर देते हैं ऐसे जैसे लगता है। तो जब इस तरह का मौका देंगे तो मोदी जी तो हमला करेंगे, मोदी जी तो काफी पढ़े लिखे हैं इन चीजों के बारे में। बिल्कुल राम कृपाल जी, ये कहा जा सकता है कि जो इतिहास रहा है भारत का उस पर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी बिना सोचे समझे अपने समृद्ध इतिहास पर कहना चाहिए कि सवाल भी खड़े कर देते हैं। चलिए आपसे फिर से बात करेंगे अशोक जी और राम कृपाल जी, फिलहाल यहाँ पर सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था, उनका बयान सुनते हैं। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। तो अशोक जी आपके पास आते हैं, जैसे कि अभी हमने सुना कि राहुल गांधी किस तरह से अपने बयान में कुछ भी और कहना चाहिए कि कैसे भी कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो समृद्ध इतिहास है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल वही जैसे राम कृपाल जी ने कहा कि आप अगर बिना सोचे समझे आप बयान दोगे तो आपके गले की हड्डी बनेगा, वही हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी और उनके जो लोग भाषण तैयार करते हैं वो लोग रिसर्च या तो करते नहीं या फिर उनकी सोच जो है पूरी तरह से डोमिनेट कर ली गई है। जो पूरा जो एक कम्युनिस्ट जो बैकग्राउंड के लोग हैं जिनकी हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं, उस तरह के लोगों ने जिन्होंने डोमिनेट कर लिया है। अनावश्यक रूप से आप आज जो है राजा महाराजाओं को गाली देकर हासिल क्या करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। आप उससे क्या अचीव करेंगे? खुद कांग्रेस के अंदर जो है, मैं अगर कहूँ तो कई जो है राज परिवारों से आए लोग हैं जो आज भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। आप जब राजाओं को गाली देना चाह रहे हैं, आप जब राजाओं को हर चीज का दोष देना चाह रहे हैं, तो फिर आप दरअसल इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं? क्या आपने इसके ऊपर कोई होमवर्क किया है? इससे आपको अचीव क्या होगा? आज की तारीख में अभी जिसका राम कृपाल जी ने जिक्र किया, मत भूलिए ना कि आप और जब औरंगजेब का नाम आता है इसी देश की राजधानी में जहां आप बैठे जहां हम बैठे हैं वहां पर आपको औरंगजेब रोड मिलती है, आपको बाबर रोड मिलती है, आपको हुमायूं रोड मिलती है। तमाम मुगलों के नाम पर जो है कांग्रेस जब आई तो उसने तमाम मुगलों को ग्लोरीफाई कर दिया कि मुगलों के लिए के नाम पर तमाम सड़कें रख दी। वो मुगल जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है जनेऊ जो है कितने लोगों को उतरवा करके जनेऊ कितने मन जनेऊ जो है रोज लोग जो है धर्म परिवर्तन के लिए हत्याएं करते थे, जनेऊ लोगों को उतरवा लेते थे और कितने मन जनेऊ जो है तोल करके उसके बाद जो है उनका दिन शुरू होता था। तो आप ऐसे जो है जो तमाम जो जो मुगल थे जो शहनशाह जो शहजादे थे जो जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था जो बाहर से आए थे, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, उनके जो विध्वंस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, उनके पक्ष में आप खड़े रहते हैं, आज भी जो है आप खड़े रहते हैं और आप राजाओं को गाली देते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के बयान देने से पहले जो है बहुत बहुत थोरो रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय देखिए सब कुछ जो है परसेप्शन पर होता है और चुनाव के समय आपका एक बयान भी आपके गले की हड्डी बन जाता है। आप सोचिए ना कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये नहीं कहा था कि संपत्ति का बंटवारा जैसी बात नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो है सर्वे कराने की बात है, लेकिन उसको जो है राहुल गांधी के बयान से हवा मिलती है, क्योंकि राहुल गांधी बयान को कहते हैं, राहुल गांधी एक बार नहीं बार बार कहते हैं और राहुल गांधी
कांग्रेस के घोषणा पत्र में अभी तक जो है कांग्रेस ये कह सक अपनी सफाई देती है कि हमने तो कहा नहीं मुस्लिम आरक्षण की बात है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं सब समुदायों का हम जो है सर्वे करवाएंगे और उसके बाद जो है बांट देंगे, और फिर उसको मनमोहन सिंह के बयान से जोड़ा जाता है। तो राजनीति में 1+1+1 होता है, तो इन सब चीजों को सोचना चाहिए। 1+1 यहाँ पर 2 नहीं होता बल्कि 1+1 11 हो जाता है, 1+1+1 जो है 111 हो जाता है। तो ये सोचना चाहिए, तो इस तरह की कोई भी बयान देने से पहले बहुत रिसर्च करने की जरूरत होती है। इसीलिए जो है तमाम नेताओं के स्पीच राइटर होते हैं और उनके साथ एक बड़ी टीम होती है। बिल्कुल अशोक जी थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और सीधे अहमदाबाद चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। और मैं ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सारी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में से खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूं उसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है एक हमारे पास स्ट्रांग और क्रेडिबल लीडरशिप जो मोदी जी के रूप में हमारे पास है। मैं कह सकता हूं उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ ही साथ पैशन भी। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है यदि इसके बारे में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं न नेता है, न नीति है और न तो नियत है। गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने कही। लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद। लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है, तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं, गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है विद इन 5-10 ईयर भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक विजन है और साथ में एक मजबूत नेतृत्व है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना कोई विजन है ना कोई नीति है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि गरीबों का साथ दिया जाए, गरीबी को दूर किया जाए। वहीं कांग्रेस पिछले 70 सालों से कुछ भी नहीं कर पाई है गरीबों के लिए। फिलहाल आइए बुलेटिन की तरफ लौटते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सलाहकार अशोक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं और अपने मुद्दे पर लौटते हैं। तो वापस आते हैं आपके पास अशोक जी, और जैसे कि हम बात कर ही रहे थे आपके साथ के जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति करती है और उसी रास्ते पर चल रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल जैसा आपने कहा, ये बयान है इसको भी तुष्टिकरण के एक कांग्रेस की जो नीति है उसके तहत देखना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस बार बार ऐसी गलतियां कर रही है, राहुल गांधी बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनको जो तुष्टिकरण के दलदल में और फंसाता जा रहा है। मनमोहन सिंह के बयान को लेकर देखिए, अब जिस तरह से मनमोहन सिंह का बयान था उसको जैसा मैंने अभी बताया कि राहुल गांधी ने संपत्तियों के सर्वे और उसमें समुदाय की बात करके कांग्रेस के लिए पहले मुश्किलें खड़ी कर दी थी, उसमें फिर वो ये भी कहते हैं कि हम उसके बाद बांटेंगे, वही प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, और उसको लेकर जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाता है। और जो है फिर उसके बाद देखिए दूसरा तुष्टिकरण का जो सवाल आता है वो आता है मनमोहन सिंह के बयान को लेकर। 2006 का मनमोहन सिंह का बयान आया था जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम संपत्ति का बंटवारा जो है वो कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हाथ मुसलमानों का है। 2006 का जब ये बयान आता है तो कांग्रेस इस पर डिफेंसिव नहीं होती, कांग्रेस इसके लिए ये नहीं कहती कि हाँ मनमोहन सिंह जी ने जो कहा वो
उनकी सोच थी, अब हम ऐसा नहीं मानते, बल्कि कांग्रेस इसको और बचाने की कोशिश करती है और ये कांग्रेस की तरफ से कुछ फैक्ट चेक कराते और कहते हैं कि मनमोहन सिंह का ये बयान आधा अधूरा था, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद मनमोहन सिंह का एक और बयान आ जाता है जिसमें वो अपनी बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस बात पर कायम हूँ, मैं इस बात पर अपनी बात पर अड़ी हूँ। तो ये तमाम जो चीजें इस वक्त चुनाव में हो रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, दिलचस्प हो रही है और वो कांग्रेस की बिल्कुल। अशोक जी, अशोक जी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, बहुत कम शब्दों में आपसे बस इतना ही जानना चाहेंगे कि इस पूरे सिनेरियो में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं और वो कुछ भी किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर जाते हैं, ऐसे में आप कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के साथ किस तरह से जोड़ते हैं? देखिए, अभी जो राहुल जी का बयान आपने सुनाया था, शायद आप लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं सुना, मैंने एक चीज सुनी है। उन्होंने, राहुल जी ने कहा कि राजा और लोग जमीन उठा कर ले जाते, कभी आपने जमीन को उठा कर ले जाते हुए देखा है? देखिए भाई, शब्द निकल सकते हैं लेकिन बेसिक बात यह है कि जिस चीज को, जब तक आप इस देश की जमीनी सच्चाई को राहुल जी पूरी तरह से जान न लें, जरूरी नहीं है कि हर चीज पर बोला ही जाए। एक तो जमीन उठा के नहीं ले जाई जाती, जमीन कब्जा की जाती है, उस पर कब्जा हो सकता है, जमीन तो जहां है वहीं रहेगी, लोग आते हैं चले जाते हैं, अकबर आया जमीन पर कब्जा किया चला गया, खानदान मिट गए। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उसके टॉप लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि आप अपनी नीतियों को स्पष्ट कीजिए, आप चाहते क्या है, आपका पाथवे क्या है जी? आपका गांधीवादी समाजवाद है, नेहरूवादी समाजवाद है, या आप 70 के माओवादी उसकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि जो जो बातें आप कर रहे हैं वो बातें तो कम्युनिस्ट देशों में हुई थी और वो भी छोड़ बिल्कुल। राम कृपाल सिंह जी, बस इतना ही कहा जा सकता है। अशोक जी, बस ये कहा जा सकता है, एक बहुत अच्छी कहावत कई बार लगती है कि पहले तोलो फिर बोलो, शायद ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मालूमात के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की सारी हदें पार कर दी हैं, कांग्रेस की भारत के सर्वसमावेशी समाज में फूट डालो और राज करो की नीति जनता जनार्दन भली भांति समझ चुकी है। पहले तो हमारी संपत्ति का एक्सरे कर इसे घुसपैठियों में बांटने की बात कही, तो आज महान राजपूत राजाओं की निंदा कर राजपूत समाज का अपमान किया है। देश कांग्रेस की विभाजनकारी विचारधारा को पूरी तरह नकार चुका है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की एकता और समृद्धता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। और इसी के साथ यहां एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा, ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे एक बड़ी खबर आज की, कि अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा भेजा है। पार्टी ये कहना चाहिए कि उनको उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और अपने पत्र में अरविंदर सिंह लवली ने ये भी लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी और इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया था। और इसी के साथ हम आपसे यही इजाजत लेते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।